फेसबुक पर फिलहाल एक गिरोह सक्रिय है जो पहले तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर आपसे किसी महिला के अकाउंट से अश्लील वीडियो कॉल करते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। हमने इसी गिरोह के महिला के साथ बात की और किस तरह लोगों को फंसाते हैं उसका खुलासा किया। सोशल मीडिया पर हुस्न का जाल, जी हाँ, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे और नए नए लोगों से शायद बातें भी करते होंगे, लेकिन ऐसे ही अपरिचित लोगों से बातें करना आपको महंगा पड़ सकता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर ऐसा गिरोह सक्रिय हुआ है जो पहले तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर आपसे अश्लील वीडियो कॉल करने को पूछता है और फिर आपका वीडियो रिकॉर्ड कर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। फेसबुक पर फिलहाल एक गैंग सक्रिय हो गया है जो लड़कियों की एक आईडी बनाता है और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसके बाद आपसे चैट शुरू करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका व्हाट्सअप नंबर दीजिए और व्हाट्सअप नंबर पे वो चैट करने के लिए आपको इनवाइट करते हैं। मुझे आज सुबह एक रिक्वेस्ट आई है और उसके बाद उसी तरह से जो बातें हुई है, इनका नाम आईडी में बताया गया है। पहले ये मैसेज करते हैं, आपको खुद होकर मैसेज करते हैं, हाय हाउ आर यू। मुझे पता है कि ये फेक आईडी है, मुझे पता है कि ये गिरोह है, इसलिए मैंने इनसे बात करना शुरू कर दिया, इसीलिए क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से लोगों को ये अपने जाल में फंसाते हैं और किस तरह से लोगों को पैसे उगाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि आप कहाँ से हो, ये आपको आईडी पे ये रिक्वेस्ट भेजते हैं लेकिन उनको खुद पता नहीं होता कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने लिख दिया कि मैं मुंबई से हूँ। मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से हो, तो कोलकाता से। तो उसके बाद ये कहते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कुछ नहीं। उसके बाद उनका तुरंत 2 मिनट में ही एक मैसेज आता है कि क्या आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे इंजॉय करोगे, येस और नो। मैंने इसीलिए कहा कि हाँ, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये जो गिरोह है किस तरह से काम करता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि आपका व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल करती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल उनको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और वो रिकॉर्डिंग भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये जो लोग हैं ये लोगों को फंसाते हैं। मैं इनको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने इनको अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दिया है। कुछ ही देर के बाद ये मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे और ये चैट करने के लिए कहते हैं। और आपको बता दें कि ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप भी अपने कपड़े उतारिए और वो जो भी चैट होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। ये वो ये कहते हैं कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं भेजे तो ये जो वीडियो चैट आपने की है, जो भी अंतरंग जो रंग ये चित्र होता है वो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते हैं। ऐसे कई सारे मामले जो है वो नागपुर में, मुंबई में, पूरे भारत में फिलहाल चल रहे हैं। तो यही जीता जागता उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। अभी कुछ देर के बाद जो है वो मुझे वीडियो कॉल आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। यही कारण है कि आपको ये चीज़ें बताने की कि इस तरह से अगर आपको किसी भी अननोन व्यक्ति की, अननोन लड़की की अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसे एक्सेप्ट बिल्कुल ना करें क्योंकि ये आपको फंसा सकती है। जब ये फ़ोन मुझे आएगा तब मैं फिर आपके पास आऊँगा और ये दिखाऊँगा कि किस तरह से ये लोगों को फंसाते हैं। तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर देने के बाद इस महिला ने मुझे मैसेज डाला। आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने पहले मुझे मैसेज किया, हाय आई एम, मैंने उनको रिप्लाई किया हाय वी कॉल नाउ। और उनके बाद उनकी चैट है, आप देखिए कि मैं अपने आप भी उतारिए। तो इन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और जिस तरह से इन्होंने कहा तो उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने वो पूरी तरह से उन्होंने अपने और उसके बाद मुझे फोर्स किया कि मैं भी आपको। तो यही चीज़ होती है, इसी तरह से लोगों को जो है ट्रैप में फंसाया जाता है। अगर इस समय इनका मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन होता है, अगर आप किसी भी तरह से अपने कपड़े उतार देते हो तो ये वो लोग रिकॉर्ड कर देते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद आपको ब्लैकमेलिंग की जाती है। ये कहा जाता है कि आप अगर मुझे पैसा नहीं दोगे तो आपका जो वीडियो उनके पास रिकॉर्डेड है वो उसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे या फिर अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर उसे अपलोड कर दिया जाएगा और व्यक्ति वहाँ
पे फंस जाता है अपनी इमेज बचाने के लिए वो लोगों इन लोगों को पैसे देता है। एकमात्र लोग नहीं है, कई बहुत बड़ा गैंग फिलहाल इसका पूरे भारत में चल रहा है। तो ये अवेयर करने का एक जरिया था, इन्होंने मुझे भी वही कहा जो बाकी लोगों को कहा। लेकिन ये हमें पता है कि हमने इसके पहले भी इसकी स्टोरी की थी और इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है, ये भी हमने बताया था। इसके कारण मैं और एक बार, अभी जो नया ट्रेंड आया है लोगों को फंसाने का, वो लोगों तक जाना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए कि इस तरह से जो लोग हैं वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। मैं इसके माध्यम से ये भी कह दूँ कि अगर आपको सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ये जो गैंग है ये फेसबुक पर सक्रिय है, फेसबुक पर अगर आपको किसी अननोन व्यक्ति की, अननोन महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो कह दे कि आपके साथ सेक्स स्टार्ट करना है, तो कतई कीजिएगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इनके ट्रैप में फंस चुके हैं और कई लोग अपने पैसे गवा चुके हैं। कई शादीशुदा जो पुरुष है वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं और अपनी जो है इमेज खराब करने के चक्कर में अपनी इमेज उनकी खराब हो जाती है। कई लोगों को लूट जाते हैं, ये लोग इसी तरह से काम करते हैं। एक अवेयरनेस करने का जो है ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को इसके बारे में बताइए कि इस तरह से ये ट्रैप जो है, लोगों को ट्रैप किया जा रहा है और पैसे उगाही का, आपकी इमेज ख़राब करने का ये धंधा बन चुका है। ऐसा ना हो इसलिए अगर आपके पास फेसबुक पे किसी अननोन महिला की रिक्वेस्ट आती है तो बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल चैट मत कीजिएगा, अन्यथा ये जो चीज़ें हैं, जो ब्लैकमेलिंग की चीज़ है, इसमें आप भी फंस सकते हो। जी आपने सही कहा, काफ़ी हद तक ये, इसको सेक्सटॉर्शन नाम का तो कोई टर्म कानून में डिफाइन नहीं किया गया है, बट जनरली स्पीकिंग वी कैन एक्सप्लेन इट एज सेक्सटॉर्शन बिकॉज सम ऑब्सीन एक्ट्स आर डन ऑन वीडियो और उसको अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो उसका रिकॉर्डिंग करके आपसे जो एक्सटॉर्ट किया जाता है, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसको सेक्सटॉर्शन बोला जा सकता है। आमतौर पे लोग खुद या तो डेटिंग वेबसाइट पे जाते हैं, उनके जवाब देते देते आगे बढ़ते हैं, उनको पूछा जाता है कि किस ढंग का पार्टनर आपको चाहिए, इसके जब जवाब में हो जाते तो अंतिमतः उनको एक मोबाइल नंबर दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसके ऊपर कॉल कीजिए। अगर कॉल किया तो किसी महिला के द्वारा वो अटेंड होता है और वो महिला द्वारा इसको बोला जाता है कि यू कैन रिमूव योर क्लोथ्स, और वो भी उधर से वैसे असली हरकतें करती है। आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स जब कॉल क्लोज हो जाता है तब इस व्यक्ति को उसका क्लिपिंग या स्क्रीनशॉट भेजा जाता है और उसको बोला जाता है कि अगर आप 50,000 1,00,000 या जो भी अमाउंट है वो अगर आप नहीं पे करते हो तो ये वीडियो वायरल किया जाएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आपके फ्रेंड्स को भेजा जाएगा। तो उस व्यक्ति को काफ़ी, फिर वो डर जाता है, फिर वो डर के मारे, ऐसे कभी कभी वाक्य हुए हैं कि लोगों ने कुछ हद तक पैसा दे दिया है उनको, या फिर कुछ लोगों ने कंप्लेंट की है, कुछ लोग कंप्लेंट नहीं करना चाहते, इनफॉर्मली बताना चाहते हैं। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से जनता को कि इसमें कभी कभी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स या माफियाज काम करते हैं जो कि लोगों की भावनाओं के साथ खेल के उनको प्राइवेसी में कुछ ऐसी बातें करने का लालच देखे, ये सब उनसे करवाते हैं। तो आप उनके टैक्टिक्स को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड मत कीजिए, जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे आपके साथ नहीं होगा। तो ये क्राइम बढ़ा है ऐसा जब हम बोलते हैं तब हमने ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि इसको जब तक आप खुद या तो इनिशिएट नहीं करते या रिस्पॉन्ड नहीं करते तब तक ये नहीं होगा। तो ये मानसिकता जो है इसके ऊपर हमने कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमको लगता है कि हमारा ये प्राइवेट लाइफ है, बट ये प्राइवेट लाइफ जब पब्लिक हो जाता है तब ये सेक्सटॉर्शन का रूप ले सकता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब बातों को समझिए, इसके बारे में अपना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस बढ़ाइए ताकि आप इसके शिकार ना हो। सर, ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग इसमें शिकार हो गए लेकिन वो पुलिस तक नहीं आना चाहते हैं डर के मारे, ऐसे लोगों को क्या संदेश दोगे? यही संदेश है कि आप डरने की कोई बात नहीं है, आपकी जो भी जानकारी आप चाहते हो वो नहीं दी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी, आपको हर तरह से लीगल एंड अदर काइंड ऑफ हेल्प दी जाएगी। हमारे API मिस्टर केशव वाघ और हमारा पूरा टीम इसके ऊपर, हमारे CP आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर के मार्गदर्शन में, एडिशनल CP क्राइम मिस्टर सुनील फुलारी सर, हमारे DCP श्री विवेक मासर सर के मार्गदर्शन में, हमारे ऑफिसर्स एंड मैन इसके ऊपर काफ़ी मेहनत ले रहे हैं। तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके टैक्टिक्स को फॉल प्रे मत कीजिए ताकि आपके साथ कुछ भी क्राइम ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजार के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र TV 24, नागपुर।